यो गाइस व्हाट्स अप, तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ जीएनसी योगी। आई नो वीडियो बहुत लेट हो गई है, बट अब से रेगुलरली वीडियो आएंगी। तो जैसे कि आपको टाइटल देखकर समझ ही आ गया होगा कि ये कुछ न्यू प्रोडक्ट है, बट कंफ्यूज होंगे कि इट्स नॉट अनबॉक्सिंग, ये क्या है। ये वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा और ये वीडियो पूरा देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे यहाँ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। So guys, story is that कि मैंने ये आइटम कुछ दिनों पहले ऑनलाइन परचेस किया था। नॉट सो मच स्पेशल, क्योंकि बहुत लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बट इसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं और बहुत लोगों को इनका डिफरेंस ही पता नहीं रहता। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग नहीं बट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्यादा कहूंगा। तो गाइज देखते हैं ये क्या है। तो गाइज ये है वो गेमिंग हेडसेट। तो इस बॉक्स के फ्रंट पर हमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग दिख रही है और क्लियरली लिखा हुआ है प्रो गेमिंग हेडसेट, और एक बहुत बढ़िया पिक्चर भी है प्रोडक्ट की, और इसके राइट डाउन कॉर्नर में मेंशन किया है ये विदाउट एलईडी वाला है। राइट अप कॉर्नर पर इसे ब्रांड का लोगो दिया हुआ है, लेफ्ट अप कॉर्नर पर चाइनीज में कुछ लिखा है और मुझे ये पढ़ना नहीं आता, इसलिए आई डोंट नो व्हाट से दैट। यहाँ पर भी सेम कंपनी नेम है और कनेक्टिंग जैक की और वॉल्यूम कंट्रोलर की एक इमेज बनी हुई है। नीचे QR कोड है और उसके साइड में ही चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है जो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। चलो अब इसके बैक साइड को देखते हैं, और वहाँ पर भी कंपनी नेम और प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और फाइनल साइड में हेडसेट की प्रोफाइल इमेज दी गई, और अप साइड में कुछ खास नहीं है, डाउन साइड में बस वेबसाइट प्रिंट की गई है। सो ये था बॉक्स, अब करते हैं इसे ओपन। वो इसे निकालते हैं और ये रहा हेडसेट, बहुत ही बढ़िया। अब इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और बॉक्स में और क्या क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। ओके, बॉक्स में एक वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट वारंटी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है, बॉक्स पूरा खाली है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं हेडसेट। ये हेडसेट एक सिंपल बबल रैप में रैप किया गया है एंड आई लव टू पॉपिंग इट, बट इसे मैं बाद में रिकॉर्डिंग के बाद आराम से करूंगा। सो दैट्स द फाइनल हेडसेट जो मैंने गेमिंग के लिए ऑर्डर किया। सो गाइस, हेडसेट की क्वालिटी बढ़िया है, हेडसेट के दोनों साइड ब्रांड का लोगो है, और यहाँ हेडसेट में फोल्डिंग माइक भी मिला है, और सर को सपोर्ट करने के लिए मस्त पैडिंग भी दी गई है जिससे ज्यादा देर पहनने पर भी आपको तकलीफ नहीं होगा, और एक अच्छा खासा लॉन्ग केबल भी मिला है, और केबल में एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी मिला है जैसे कि हमने पहले इमेज में देख लिया था, और इस केबल के एंड में 3.5 mm का जैक भी मिला हुआ है, और बॉक्स पर क्लियरली लिखा है कि ये विदाउट LED वाला है, इसलिए आपको यहाँ कोई LED नहीं मिलती है। और स्पीकर के पास भी अच्छी खासी ईयर मफ पैडिंग मिल जाती है जिससे अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं तो भी कान को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और गाइस फाइनली ये था गेमिंग हेडसेट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो गाइस मैंने ये हेडसेट ऑनलाइन रिटर्न कर दिया है, क्योंकि पहली बात तो चाइना की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, और दूसरी बात ये मेरे सिस्टम को सूट नहीं हुआ, एक्चुअली दूसरी बात मेन रीजन था इसे रिटर्न करने का। और यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, बिकॉज ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिटर्न नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक सूटेबल हेडसेट कैसे परचेस करना है, क्योंकि हर हेडसेट हर सिस्टम को सूट नहीं करता है, और ये ऑनलाइन प्रोडक्ट जब आप मंगा लेते हो और आपके सिस्टम को सूट नहीं करता है तब ये आपके पास ही स्टक हो जाते हैं, पड़े रहते हैं बिना किसी यूज़ के, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप की। एक्चुअली हम सबको एक ही बोलते हैं, हेडफोन, बट ऐसा नहीं है। लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। ये होता है ईयरफोन, ये होता है हेडफोन, और ये होता है हेडसेट, एक तरह का हेडफोन ही बट इसमें माइक लगा रहता है तो इसे हेडसेट बोलते हैं। हेडफोन का तो वैसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट ईयरफोन और हेडसेट में कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो परचेस करने से पहले चेक करना जरूरी है। ईयरफोन और हेडसेट में स्पीकर और माइक दोनों लगा रहता है, बहुत सारे हेडसेट और ईयरफोन में सिंगल जैक ही आपको मिल जाता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट ईयरफोन में तो आपको सिंगल 3.5 mm का जैक ही मिल जाता है,
और ये जैक हर सिस्टम को, सिस्टम मींस मैं पीसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इसके लिए एक स्पेशल पोर्ट होता है जिस पर ये साइन होता है और ये हेडसेट का साइन होता है। अगर आपके पीसी में ये पोर्ट नहीं है, ये साइन वाला पोर्ट नहीं है और जनरली ये होता ही नहीं है, तो आपके पीसी में हेडसेट का माइक यूज नहीं हो सकता है। ओनली आप इसके हेडफोन को ही यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको माइक और हेडफोन दोनों यूज़ करना है तो आपको इसके लिए एक ऑडियो स्प्लिटर लेना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली ड्यूअल जैक हेडसेट भी आता है वो परचेस कर सकते हैं। ये पीसी यूज़र के लिए बेस्ट है। और अगर आप एक लैपटॉप यूज़र है तो जनरली अब लैपटॉप में हेडसेट जैक आ जाता है, बट जो पुराने लैपटॉप है या फिर कुछ कुछ अभी भी नए लैपटॉप में भी हेडसेट जैक नहीं आता है, तो उनको भी ऑडियो स्प्लिटर लेना पड़ेगा अगर उनको हेडसेट यूज़ करना हो तो, या फिर सेम डबल जैक वाला आपको हेडसेट परचेस करना पड़ेगा। तो गाइज बस इतना सा डिफरेंस है, और इतना ही डिफरेंस ना पता होने की वजह से बहुत सारे गेमर्स अपने पीसी के लिए हेडसेट तो खरीद लेते हैं बट बाद में वो ना सपोर्ट करने की वजह से पछताते हैं। तो गेमर्स आज के लिए इतना ही, बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि अगर आप इन फ्यूचर हेडसेट या हेडफोन लेना चाहते हो तो आप वाइजली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए होंगी, और ऐसा ही न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं योगी और हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी न्यू अपडेट, गेम प्रीव्यू और टॉप 10 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्ले हार्ड।